Falcons, Eagles और Hawks, इन शिकारियों के देखने और सुनने की सेंसेस का कोई मुकाबला ही नहीं है। ये बहुत ऊंचाई से ही अपने शिकार को ढूंढकर उस पर ऐसा निशाना लगाते हैं कि उसके बचने का सवाल ही नहीं उठता। शांति है, कहीं कोई हलचल नहीं, यानी रास्ता साफ है। ये खाना ढूंढने का एकदम परफेक्ट टाइम है ना? हाँ, पर ग्रेट हॉर्न आउल के लिए हॉर्न्ड आउल पेड़ों पर चुपचाप बैठे रहते हैं। ये अपने चारों तरफ के माहौल में घुल मिल जाते हैं। ये पेड़ की बाग की तरह ही लगते हैं। पेड़ों पर बैठे रहते हैं और शिकार के निकलते ही सीधे उस पर डाइव करते हैं। ये बिना आवाज के उड़ते हैं। शिकार को इनके आने का पता ही नहीं चलता। आउल्स के पास एक ऐसा हुनर है जिससे वो अपने शिकार की लोकेशन का परफेक्ट अंदाजा लगा लेते हैं। इन्हें अपने इन खास हुनर से बहुत फायदा मिलता है। ऐसी कई आउल स्पीसीज हैं जिनकी हियरिंग एसिमेट्रिकल होती है, जिसमें एक कान दूसरे कान से ऊपर होता है, और इससे इनकी डेप्थ परसेप्शन परफेक्ट हो जाती है। मतलब चूहा स्नो के नीचे हो या घास में हो या झाड़ियों में हो, ये उसकी आवाज सुन लेंगे। कई बार तो ये बिना देखे ही सिर्फ आवाज सुनकर चूहे को पकड़ लेते हैं। आउल्स की सुनने की ताकत इतनी कमाल की होती है कि शिकार पकड़ने में जरा भी गलती नहीं होती। इन्हें ये सुपर सेंस सिर्फ कानों से ही नहीं मिलती, इनकी बॉडी का हर पार्ट इनकी सुनने की ताकत को बढ़ाने का काम करता है। आउल्स का सिर सिर्फ दिखने में ही बड़ा है। चेहरे के फेदर्स आगे की तरफ जमा होकर उसे एक डिश एंटीना की शेप देते हैं, जिससे साउंड वेव्स को कानों पर फोकस होने में मदद मिलती है और ज्यादा से ज्यादा आवाज कानों तक पहुंचती है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे दूर से किसी आवाज को सुनने के लिए हम अपने कानों के पीछे हाथ रखते हैं। उस वक्त आपका सर डिश एंटीना जैसा बन जाता है, लेकिन आउल के केस में उसकी डिश फेदर्स की वजह से बनती है, जिससे वो आवाज को सुनकर अपना खाना ढूंढ सके। इनकी बड़ी बड़ी आंखें डरावनी सी लगती हैं। सभी शिकारी बर्ड्स की तरह इनके आईबॉल्स भी नहीं घूमते, वो एक जगह फिक्स है। किसी भी जगह का फिक्स्ड विजुअल मिलने से शिकार की छोटी से छोटी हरकत भी पकड़ में आ जाती है। आउल्स के पास अपनी आंखें घुमाने की एबिलिटी तो नहीं है, लेकिन ये अपने सर को घुमा सकते हैं। आउल्स अपने सर को हर डायरेक्शन में ऑलमोस्ट 135 डिग्रीज तक मोड़ सकते हैं। हम इंसान सर को हर डायरेक्शन में सिर्फ लगभग 70 डिग्रीज मोड़ सकते हैं। इनके सर के साथ इनकी इयरिंग और आईसाइट भी साथ साथ घूमती है, जिससे ये चारों तरफ देख सकते हैं और सुन भी सकते हैं। इससे इन्हें शिकार करने में अच्छा एडवांटेज मिलता है। सिर को इस तरह से घुमाकर ये काफी बारीकी से अपने शिकार पर निशाना साध सकते हैं। ऑडियो और विजुअल एक साथ काम करता है। टारगेट सेट है, अब वार करना है। उड़ान भरते हुए भी आउल्स लगातार शिकार की लोकेशन का पता लगाते रहते हैं। आउल की ज्यादातर स्पीशीज बिना आवाज की उड़ सकती हैं। जब वो अपने पंखों को फ्लैप करते हैं तो आवाज नहीं होती। पंखों के फेदर्स खास तरह से बने होते हैं, वो चेस्ट के फेदर्स के साथ लूजली फ्लैप करते हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि इस तरह ये शिकार तक चुपचाप से पहुंच सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक्चुअली शिकार की आवाज को सुनने के लिए इतनी चुपचाप उड़ते हैं। दिमाग का काम खत्म हुआ, अब बारी है ताकत की।
साइज को देखते हुए ग्रेट हॉर्न्ड आउल के पैर दुनिया के सबसे ज्यादा मजबूत पैरों में से हैं। इनके नाखून के टिप्स पर प्रेशर 400 PSI यानी पाउंड्स पर स्क्वायर इंच से ज्यादा मेजर किया गया है और नाखून के एजेस पर बहुत ही छोटे छोटे पॉइंटेड दांत से बने होते हैं जिसे किसी भी चीज को टाइटली ग्रिप कर सकते हैं। इनके नाखूनों में पतला चैनल होता है जिसे ब्लड ग्रूव कहा जाता है। जब आउल चूहे को पकड़ता है तो चूहे के जख्म में से जो खून निकलता है वो इन ग्रूव्स में चला जाता है ताकि जख्म सूखे नहीं। इनका मुंह शिकारी बर्ड्स की बाकी स्पीशीज के मुकाबले काफी चौड़ा होता है और इसीलिए ये अपने बहुत से शिकारों को साबुत ही निकल जाते हैं। सांप की तरह इनकी जीभ के नीचे भी ट्रैकिया होता है तो बहुत बड़े शिकार को निकलते वक्त ये एक्चुअली अपने जीभ के नीचे से सांस ले सकते हैं। खामोशी से शिकार को ढूंढते हैं, मारते हैं और खा लेते हैं।